अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं हरम मक्का यूट्यूब चैनल। तो आज इस वक्त मैं मौजूद हूं जी मस्जिद अल हराम के बाहर, यानी के बाहर वाले सहन में। ये आप देख सकते हैं सामने दारुल तौहीद होटल आपको नज़र आ रहा है, जो कि 87 नंबर गेट के सामने है, और साथ ही में मक्का होटल और क्लाक टावर नज़र आ रहे हैं, जो कि जियाद रोड की तरफ है। तो आज जी ये स्पेशल वीडियो है इंडिपेंडेंस ऑन पाकिस्तान डे के लिए। इंशाल्लाह जी अभी मैं मस्जिद अल हराम के अंदर सहन में जाऊंगा, खाना काबा के सहन में, ये इस गेट से एंटर होके। तो मिलते हैं अंदर सहन में। तो ये देखें जी, मैं अंदर सहन में आ चुका हूँ, मतलब स्टेयर से नीचे आ चुका हूँ। इस तरफ मेरे राइट तरफ खाना काबा, ये देखें जी माशाल्लाह, बहुत ही हसीन खूबसूरत मंज़र आपको दिखाई दे रहा है। तो आज की इस वीडियो का मकसद, जो कि स्पेशली तौर पे इंडिपेंडेंस ऑन पाकिस्तान डे, पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ के लिए मैंने हाज़िरी दी है खाना काबा में। तो आप भी सब भाई जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, इंडिया से काफ़ी ज़्यादा व्यूवरशिप है और फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी, तो सब भाइयों से दरख्वास्त है कि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं आपको सभी को मालूम है, तो पाकिस्तान के लिए आपने ज़रूर दुआ करनी है। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क, प्यारे मुल्क को तरक्की ता फरमाए, क्योंकि जो कि पाकिस्तान है खसूसन बिलखसूस इस्लाम के नाम पे बनाया गया था, बनाया गया है, और इंशाल्लाह ता क़यामत रहेगा। तो अभी कुछ हालात ख़राब हैं, हमें उम्मीद है अल्लाह ताला पर, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे मुल्क के हालात जल्द ठीक करके हमें एक आदल हुक्मरान जो कि है नसीब करेगा, जो कि खालसतन पाकिस्तान के लिए काम करेगा। तो ये क्विक वीडियो थी 14 अगस्त के हवाले से, क्योंकि आपको बताया मैं मक्का मुकरमा में होता हूँ, तो दुनिया में सबसे बेस्ट जगह आपको पता है, इसलिए खसूसी तौर पे 14 पाकिस्तान के लिए दुआ करने के लिए मैं हाज़िर हुआ था। वीडियो कैसी लगी आपने लाजमी बताना है, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।